स्टूडेंट्स, आई एम शिवम साहू। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले अपन बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके, तो इसमें जो अपना फर्स्ट जो नंबर है वो क्या देखे रखा है, 12, 15 एंड 21 के। अपने को क्या फाइंड करना है? एचसीएफ एंड एलसीएम। ओके, अब इसको सॉल्व करा जाए तो सबसे पहले जो नंबर है वो क्या दिया अपने को, 12। तो 12 का अपन प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 6 12 2 3 6 3 1 3। ओके, अब अपन निकालेंगे 15 के। 15 के क्या होते हैं, 3 5 15 5 1 5। ओके, अब अपन देखेंगे 21 के प्राइम फैक्टर क्या क्या आएंगे, 3 7 21 7 1 7। मतलब जो 12 के जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो क्या है, 2 2 3। फिर 15 के जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो क्या है, 3 5। और 21 के जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो आए हैं 3 7। ओके, तो अब सबसे पहले अपन बात करते हैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन है। तो अपन देखेंगे तीनों में जो कॉमन आया है वो क्या कॉमन आया है, 3। तो अपन देखेंगे यहाँ पे जो एचसीएफ आया है वो क्या आया, 3। अब निकालना है अपने को एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो कॉमन आया है उसको तो मल्टीप्लाई करते ही करते हैं एक बार, ठीक है, और बाकी के जो नंबर बच गए उनका भी मल्टीप्लाई, 2 2 5 7। ये 2 2 5 7 जो बच गए उसमें ये 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 3 2 6 6 2 12 12 5 60 67 420। ओके, तो मतलब ये समझ गए कि एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे निकालना है। ये अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट होता है। ओके, अब अपन बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन एचसीएफ ऑफ टू नंबर कितना दिया है, 9। 306 और 657 का अपने को एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 9। मतलब मेरे को दो नंबर है 306 और 657। अब मैंने देखा यहाँ पे जो इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ दिया हुआ है वो कितना दिया है, 9। मेरे को फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, एलसीएम। ओके, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला ये है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ओके, अब मैं बात करूंगा एलसीएम तो मेरे को निकालना है, इंटू एचसीएफ तो एचसीएफ मेरे को देके रखा है 9। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब दो नंबर क्या है, 306 इंटू 657। तो मैंने देखा मेरे को एलसीएम निकालना है तो 9 कहां पे चल जाएगा, 306 और 657 के नीचे। ओके, अब ये कट रहा है तो काट दो, 3 3 9 3 1 3 0 3 2 6। अब अपन देखेंगे और कट रहा है क्या, ये 3 3 9 होता है और 1 कैरी गया इधर, 3 4 12। मतलब जो बचा 34 इंटू 657। मतलब जब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो 657 में काय का मल्टीप्लाई 34 का, 4 7 28 का 2, 4 5 20 और 2 22 का 2 कैरी, 4 6 24 और 2 26 प्लस 3 7 21 का 1 2 कैरी, 3 5 15 और 2 17 का 7 1, 3 6 18 और 1 होते हैं 19। मतलब 8 और एलसीएम निकालना रहे तो वहां पर जो फॉर्मूला लगता है वो क्या लगता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट नंबर, और उसको सॉल्व कर देंगे तो अपना आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर फोर्थ कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।